इस वीडियो के माध्यम से शिक्षा और रोजगार जगत की हर एक महत्वपूर्ण खबर हम आपके लिए लेकर आए हैं। और सबसे पहले उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से एक ऑफिशियल आवश्यक सूचना यहाँ पर जारी की गई है, जहाँ पर जानकारी दी गई है कि जो आपकी यहाँ पर परीक्षा है, जो कि PET 2021 की है और जिसकी वैलिडिटी जो थी वो अक्टूबर तक थी, ठीक है, अक्टूबर तक थी, उसे अब बढ़ाकर 8 जनवरी 2023 तक कर दिया गया है, या PET 2022 की जो परीक्षा का परिणाम आना है वहाँ तक अब इसकी वैलिडिटी को कर दिया गया है। अब इसकी वैलिडिटी बढ़ाने से जो इस समय विज्ञापन है, जो गतिमान है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन लिए जा रहे हैं, चाहे वो कनिष्ठ सहायक के हों, ठीक है, या अन्य भर्तियों के हों, तो उसके लिए वो वैलिड है, वो उसमें अब आवेदन आसानी से कर पाएंगे। वहीं पर 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित एक नोटिस यहाँ पर देखने को मिला है और ये सेक्रेटरी की तरफ से है और बेसिक एजुकेशन बोर्ड UP प्रयागराज की तरफ से 69,000 असिस्टेंट टीचर से संबंधित यह है, जहाँ पर कुछ जो छात्र हैं, ठीक है, जो यहाँ पर पिटिशनर हैं, उनकी यहाँ पर जो डिटेल है वो यहाँ पर दिखाई गई है। आप देख सकते हैं रेट संख्या में कौन कौन से छात्र हैं, ये सारी रेट हैं, याचिकाएँ हैं, 18 छात्रों के यहाँ पर नाम दिखाए गए हैं। और जो पिछली सुनवाई हुई थी 9/11 को, उसके साथ ही इन सभी याचिकाओं को इन केस के साथ कनेक्ट कर दिया गया और 2 सप्ताह का फिलहाल समय मिला हुआ है, जिससे संबंधित जो एफिडेविट है वो यहाँ पर 2 सप्ताह में दाखिल करने होंगे। एक और आदेश यहाँ पर देखने को मिला है उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज की तरफ से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को, जो कि 16/11 का आदेश है, शपथ पत्र यहाँ पर दाखिल करना है। जी हाँ, यहाँ पर बताया गया है कि जो श्री रणविजय सर हैं, ठीक है, या अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता हैं, वो माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद हो चाहे लखनऊ खंडपीठ हो, वहाँ पर जितने भी जो भी केस हैं संबंधित, बेसी से संबंधित केस हैं, उनमें जो हलफनामा जिन भी केस में कोर्ट ने आदेश दिया है दाखिल करने के लिए, वो यहाँ पर कहा गया है उसे तत्काल वो सबमिट करें, ठीक है, और यहाँ पर किसी प्रकार की कोई भी शिथिलता ना बरतें, सख्त आदेश इसके लिए दिए गए हैं। न्यायालय इलाहाबाद हो चाहे लखनऊ खंडपीठ हो, जहाँ पर जितने भी रिट हैं, जिन भी याचिकाओं में प्रति शपथ पत्र दाखिल करना है, उस संबंध में आदेश किया गया है, तुरंत जो शपथ पत्र है वो यहाँ पर दाखिल किए जाएंगे। 12,460 शिक्षक भर्ती में भी कुछ लेटेस्ट अपडेट है। यहाँ पर प्राप्त जानकारी के अनुसार आप देख सकते हैं कि अभी तक, जैसा कि मैंने आपको बताया था, डायरेक्शन को लेकर एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई है, अभी उसकी सुनवाई को फिलहाल यहाँ पर पेंडिंग किया गया है, क्योंकि कल 22 तारीख को उमेश चंद वाला जो केस है वो लग चुका है, सीरियल नंबर 1 पर ही सुनवाई उसकी होनी है, तो कल जैसे ही कोर्ट बैठेगी तुरंत सुनवाई सुबह ही होगी और बहुत ही बड़ी अपडेट देखने को मिल सकती है। अगर सुनवाई होती है, सुनवाई तो होनी है, लेकिन अगर सुनवाई चल जाती है, कोई सरकारी अधिवक्ता किसी बहाने से डेट नहीं लेते हैं, तो आप मान सकते हैं कि कुछ निर्णायक कल देखने को मिलेगा। जो भी अपडेट होगी हम आपको तुरंत उसके लिए अवगत करा देंगे, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं अखिलेश यादव जी हैं और यहाँ से अपडेट निकल कर आई है 69,000 शिक्षक भर्ती में। जी हाँ, 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण मामले में जो 6800 सीटें हैं, जो चयनित अभ्यर्थी हैं वो बाहर हैं और वो अपनी नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं, तो नियुक्ति नहीं हो रही है, इसी को लेकर अखिलेश यादव जी को उन्होंने ज्ञापन सौंपा है, जिस पर अखिलेश यादव ने यहाँ पर जो भी आश्वासन दिया है कि हम हर प्रकार से, हर प्रयास से आपका मदद करेंगे और किसी भी तरह से इस भर्ती को पूर्ण कराने के लिए हम प्रयास करेंगे, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया है। NHM की तरफ से, मध्य प्रदेश की तरफ से अच्छा मौका है, क्योंकि 2284 स्टाफ नर्स महिला पुरुष के भर्ती का विज्ञापन यहाँ पर निकाला गया है और इसके लिए जो भी छात्र हैं वो यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं, पात्रता समझ सकते हैं कि विश्वविद्यालय से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी विषय में इंटरमीडिएट, BSc, नर्सिंग, जनरल नर्सिंग या कुछ भी अगर आप पात्रता रखते हैं और 21 वर्ष से 43 वर्ष के बीच में हैं, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। 20,000 रुपये तक इसके लिए आपको वेतन मिलेगा और 25 नवंबर से 22 दिसंबर आवेदन की तिथि है। www.nhmmp.gov.in ये आधिकारिक वेबसाइट है, यहाँ से आप फटाफट आवेदन ज़रूर कर लें।